जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंगद कुमार जीके जीएस पे। मैं अंगद कुमार। दोस्तों, SSC GDE 2021 का मेडिकल का रिजल्ट बहुत जल्दी आपका आने वाला है और मेडिकल के रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट भी आएगा। ये दोस्तों फाइनल मेरिट होगी और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसके बाद पोस्ट आपके अलाट कर ली जाती है। तो दोस्तों, जो आपका DME जो हुआ था, आपका डिटेल मेडिकल एग्जाम और री मेडिकल एग्जाम, उसका रिजल्ट दोस्तों कैसे आता है, कौन सी PDF में आता है, वो मैं अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, काफी बच्चों का डाउट था, तो वो भी मैं वीडियो में आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। और एक्सपेक्टेड आपके रिजल्ट डेट कब तक आने वाली है, वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके आप शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है मैं भी एक SSC GDE का ही कैंडिडेट हूं, मैं भी मेडिकल फिट हूं, मैं भी फाइनल मेरिट का दोस्तों ही वेट कर रहा हूं। तो जो भी मेरे को अपडेट मिलती है दोस्तों, वो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। अब दोस्तों, कितनी अपडेट वो सही रहती है, वो गलत रहती है, वो देखिए दोस्तों मेरे को 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो मेरे को अपडेट मिलती है इंफॉर्मेशन, वो मेरा काम है कि चैनल के माध्यम से सारे बच्चों के पास पहुंच जाता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए कि आपको ये जो SSC के द्वारा कि सबसे पहले का आपका रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट को लेकर दोस्तों काफी बच्चों में डाउट है, क्योंकि आपको देखिए दो नोटिस वायरल हुई थी। एक आपने ये देखा था BSF की दोस्तों, ये नोटिस जो हेडक्वार्टर वाली थी, ये BSF की नोटिस वायरल हुई थी। इसमें जो रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर किए जाने की बात कही गई थी, वो देखिए अक्टूबर के लास्ट वीक में कही गई थी, और यहाँ पे इफ लगाया गया था, इफ द रिजल्ट सब्जेक्ट डिक्लेयर लास्ट अक्टूबर, देन दोस्तों उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग चालू हो जाएगी वो 15 दिसंबर से आपकी चालू हो जाएगी। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि जो आपका मेडिकल चला है वो लगभग 16 से 17 अक्टूबर तक तो आपका री मेडिकल चला है, मतलब कल्याणी जैसे सेंटर पे। इसलिए दोस्तों आपका थोड़ा सा क्या है, जो सेंटर है वो आपका ट्रेनिंग वो लेट हो सकती है, इसी आधार पर देखेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। फिर एक और दोस्तों आपने यहां पे देखिए, यहां पे लिखा था मेल फीमेल अपॉइंटमेंट टेंटेटिव 15 दिसंबर, एक दोस्तों ये डेट है पूरा ऑफिशियल दोस्तों, ये देखिए ये ऑफिशियल पूरी नोटिस थी। और दूसरी ऑफिशियल नोटिस दोस्तों देखिए कम, थोड़ी सी कम वायरल हुई थी लेकिन काफी बच्चों के पास थी, ये नोटिस देखिए दोस्तों ये 19 सितंबर को है। अगर दोस्तों देखिए अगर आपका दिसंबर में ट्रेनिंग ना कराना होता तो ये दिसंबर आप देख सकते हैं 29 सितंबर को नोटिस वायरल हुई है, आज के लगभग 20 दिन पहले की है केवल बात है। आप देख सकते ये ITBP का डायरेक्टर जनरल ITBP की नोटिस है। इसमें दोस्तों क्या बताया गया था, सारे बच्चों ने देख लिया होगा, इसमें ट्रेनिंग कैलेंडर आप देख सकते हैं 2022-23 का है। इसमें दोस्तों देखिए ज्वाइनिंग की एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई थी, इसमें बस ये बताया गया था दोस्तों कि आप देखिए नवंबर 2022 तक जो भी आपके ट्रेनिंग सेंटर, जैसे आपको पता है कि जो लड़के हैं दोस्तों 1216 इसमें मेल हैं दोस्तों, और जो फीमेल हैं 215, इस बार की भर्ती में लगभग जो 1431 है दोस्तों ITBP की पोस्ट है। इसमें दोस्तों ये बताया गया था कि जो ट्रेनिंग की तैयारी है कितने इतने बच्चे इस सेंटर पे आपके भेजे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पता है दोस्तों जितने बच्चे होते हैं वहाँ चेस्ट नंबर दोस्तों आपको पहनना पड़ता है, तो वो चेस्ट नंबर बनाने की तैयारी चल रही है। उसके बाद दोस्तों आपको पता है जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है आपका, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर हो तो सेंटर द्वारा भेजा जाता है, तो उसका दोस्तों उसके बनाने से पहले एक फॉर्मेट बनता है, उसके बाद उस पर टाइप होता है, तो वो फॉर्मेट भी बनाने का काम कर दिया गया है। ये सब काम दोस्तों से इन दोनों नोटिस के माध्यम से चालू कर दिया गया है। अब ट्रेनिंग एग्जैक्ट कब तो चालू कर दी जाएगी दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिजल्ट देखना पड़ेगा, रिजल्ट आपका सब सकता है। ये नोटिस पूरी ऑफिशियल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, 30 सितंबर को नोटिस वायरल हुई है, ऑफिशियल है, सिग्नेचर सब कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पे राकेश यादव सर का कमांडेंट है जो, ये आपका नोटिस आप देख सकते हैं, ITBP एकेडमी को हुआ है, यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। अब दोस्तों ऑफिशियल आपका रिजल्ट कब आ सकता है, तो उससे पहले आपको एक चीज मैं दिखाने वाला हूं कि दोस्तों आपका देखिए इस बार क्या हुआ है कि जो आपकी भर्ती चल रही है वो आपके मिशन मूड में चल रही है, तो भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट कराना है, क्योंकि आपको पता है कि 10 दिसंबर तक दोस्तों नई भर्ती आपकी आ रही है, 10 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन आ जाएगा। SSC इसको डिले कर सकती है, लेकिन दोस्तों ऑलरेडी एक बार कैलेंडर उन्होंने जो फरवरी में आ रहा था आपका नोटिफिकेशन, वो दिसंबर में उन्होंने चेंज कर दिया है, तो SSC बार बार दोस्तों चेंज नहीं करेगी मेरे हिसाब से, तो आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों पहले जो CRPF के द्वारा आपका मेडिकल हुआ है, CRPF ने मेडिकल कराया है CAPF के द्वारा थ्रू, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों CRPF के पास, जो आपके DV हुई थी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके CRPF के पास चले गए हैं।
पहला प्रोसेस क्या होता था दोस्तों कि सीआरपीएफ उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को एसएससी के पास देती थी इसको चेक करने के लिए कि जो बच्चा ने चेक किया वो सही है कि नहीं। लेकिन इस बार दोस्तों क्या है कि अब डायरेक्ट सीआरपीएफ क्या करेगी, अपने जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी पोस्ट जितनी अलर्ट होंगी वो डायरेक्ट दोस्तों वो आपके डिपार्टमेंटल के पास डीबी जाएगी, इस बार एसएससी के पास नहीं जाएगी। फिर दोस्तों एसएससी कैसे आपकी लिस्ट बनाएगी तो वो आप देख लीजिए दोस्तों। लिस्ट बनाने के लिए एसएससी जो जिन बच्चों का डाटा मिलेगा उसका लिस्ट बनाएगी। तो जितने लोग दोस्तों मेडिकल फिट हैं अनफिट हैं, आपको याद होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट्स करा रहे थे डीबी तो आपके लिए एक ये फॉर्म भरवाया गया था, सबसे लास्ट में आपने फॉर्म भरा था, सबसे लास्ट में इसको आपने लगाया था। इस पर देखिए क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग एंड द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी जीडी 2018-21 की बात कर रही है और यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉपी। ये दोस्तों जो इसको बोलते हैं चेक लिस्ट, ये दोस्तों जो हमारी चेक लिस्ट है ये एसएससी की कॉपी है। इस पे क्या क्या लगा था दोस्तों तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने अपना रोल नंबर भरा था, यहाँ पे सिग्नेचर भरा था, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क जो आप था वो भरे थे, यहाँ पे आपका आधार कार्ड जो भी नंबर था वो भरे थे, यहाँ पे मेल फीमेल, उसके बाद आपने यहाँ पे फोटो लगाया था आपको याद होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम लास्ट में दोस्तों जो जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे वहाँ पे वो टिक कर रहे थे, जैसे आपने हाई स्कूल का दिया यहाँ पे टिक हो गया, एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपने चेस्ट में तो यहाँ पे टिक एस कर दिया गया। बाकी यहाँ पे देखा जा रहा था कि आपको कोई सुधार करना है तो यहाँ पे लिखा जा रहा था कुछ दिक्कत थी तो बाकी ये आपसे टिक करवा के भरवाया गया था, आपको सबको सबने भरा होगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो इस पे एस लगाया गया था, नहीं था आपके पास नो लगाया गया था। बहुत बच्चों के पास दोस्तों जो ओबीसी के थे लेकिन उनका पुराना था तो वहाँ पे इनको नो करके यहाँ पे नो करके यहाँ पे लिख दिया गया था किस वजह से आपको बाहर किया जा रहा है। वैसे ही एससी एसटी के, वैसे ही डब्ल्यूएस के बहुत बच्चे थे जिनके पास रहते हुए डेट के आगे पीछे का था तो उनके पे एस नो लिख के यहाँ पे नो कर दिया गया था, यहाँ पे रिमार्क लिख दिया गया था। वो ऐसा कम हुआ था क्योंकि बहुत बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत थी तो उन सभी बच्चों को अपने हिसाब से उन्होंने भर दिया था। बाकी ये सीट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरी सिग्नेचर विग्नेचर करा के, ये आपके आपने देखा था स्टूडेंट सिग्नेचर सारी चीजें यहाँ पे एनसीसी लगाया था ये करके, आपको ये सारी चीजें एसएससी के पास केवल ये वाला फॉर्मेट भर दिया जाएगा। मेडिकल बच्चों का अलग भेजा जाएगा दोस्तों और जो अनफिट हैं उनको अलग। बाकी दोस्तों एसएससी इसी फॉर्मेट के आधार पे आपका डाटा बनाएगी क्योंकि रोल नंबर इस पे लिखा हुआ है सब कुछ, इसी के आधार पे आपका जो मेरिट लिस्ट वो जारी करेगी। एसएससी का काम है दोस्तों केवल मेरिट लिस्ट जारी कर देना। अब एसएससी मेरिट लिस्ट जारी करती है दोस्तों, उसके बाद क्या करती है कि एक पीडीएफ बनाती है, वो पीडीएफ हर पोस्ट वाइज वो अलग अलग दे देती है। पोस्ट वाइज जैसे आपको सीआईएसएफ मिला है तो सीआईएसएफ को दे देगी, बीएसएफ मिला है तो बीएसएफ को दे देगी, असम राइफल। वैसे दोस्तों 2018 की जो पीडीएफ है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कैसी आपकी पीडीएफ आती है। तो आप देखिए दोस्तों ये पीडीएफ आपके पास, ये आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, ये पिछली बार 2018 का असम राइफल का है। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स, यहाँ पे सीलिंग देख सकते हैं 2000, यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे ट्रेनिंग सेंटर वाइज डिटेल्स ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट थ्रू द कांस्टेबल जनरल ड्यूटी सीएपीएफ एंड द असम राइफल ड्यूटी असम राइफल 2018। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं फ्लोइंग कैंडिडेट हैज बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड टू द कंबाइंड रिक्रूटमेंट रैली कांस्टेबल ड्यूटी सीएपीएफ एनआईए। देखिए 2018 के एसएससी जीडी का जो कैलेंडर, तो जितने बच्चों का दोस्तों क्या होता है कि जो सिलेक्टेड होते हैं और ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे डेट लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे पूरा ये आपके सारे कैंडिडेट जितने भी सिलेक्टेड होंगे दोस्तों ये पूरी लिस्ट मेल पे आपके आ जाएगी, आपके मेल पे रहेगा पूरी कैंडिडेट का नाम। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नाम लिखा है बच्चे का, रोल नंबर लिखा है, फिर यहाँ पे जेंडर लिखा है, फिर यहाँ पे कब आपको रिपोर्टिंग करनी है, किस डेट को दोस्तों आपको रिपोर्टिंग करनी है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। पिछली बार दोस्तों जो असम राइफल की रिपोर्टिंग हुई है वो 1 अप्रैल 2021 को हुई है, कहाँ पर हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दीपू जो दोस्तों असम में है करीबंगन में जिस जगह है यहाँ पे एआरटीसी वहां पे हुई है। ऐसे करके पूरी लिस्ट आपके पास आएगी, देखिए दोस्तों ये लगभग 100 पेज के आसपास का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सबसे नीचे यहाँ पे टोटल। पिछली बार देखिए यहाँ पे टोटल जो बच्चे थे रैली को लेके, और यहाँ पे देख सकते हैं नागालैंड में जो
सुखोवी दोस्तों नागालैंड में एक जगह है, वहां पे भी देखे ट्रेनिंग, टोटल 3530 बच्चों का ट्रेनिंग कराया गया था। ये पूरी डिटेल उसके बाद है। अब दोस्तों उसके बाद क्या क्या आपको वहां पे लेके जाना है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो ये दूसरा नंबर बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए, मैं इसको अपने टेलीग्राम पे डाल भी दूंगा। देखिए, प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर हैज बीन द डिस्पैच थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट एंड द सेम बीइंग द सेंट थ्रू द ईमेल। आपके ईमेल पे दोस्तों आपको भेजा गया है, साथ में आपके जो एड्रेस आपने पोस्टल एड्रेस डाल रखा है वहां पे भी दोस्तों आपको क्या किया गया है, ये सब भेजा गया है। यहां पे देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट एक्सपेक्टेड दो हैज बीन अर्न मार्क्स एक्सपेक्टेड कैंडिडेट। यहां पे सारी चीजें आपने डिटेल में यहां पे पढ़ सकते हैं। और इनके ट्रेनिंग देखिए यहां पे क्या लिखा है, असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल मेंशनड अगेंस्ट द ईच कैंडिडेट ऑन द 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल को देखिए पिछली बार की आपकी ट्रेनिंग हुई थी दोस्तों, असम राइफल की स्टार्ट हुई थी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं अमंग दोस्तों फ्लोमिंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल विथ द 4 सेट। आपको 4 सेट दोस्तों फोटो कॉपी करा के लेके जाना है, साथ में 4 सेट फोटो कॉपी ऑफ द ईच डॉक्यूमेंट और ड्यूली अटेस्टेड गजेस्टेड ऑफिसर। और दोस्तों ऑफिसर आपको सिग्नेचर करा के ले जाना है। क्या क्या लगेगा, सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, जो भी दोस्तों आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है जो आपने डीवी के टाइम दे रखा है, जैसे किसी ने हाई स्कूल केवल दे रखा होगा, किसी ने इंटर, किसी ने ग्रेजुएशन, तो क्वालिफिकेशन आपको ओरिजिनल लेके जाना दोस्तों, वहां पे अभी ये जमा भी हो जाएगा ट्रेनिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों एससी एसटी ओबीसी इस बार ईडब्ल्यूएस भी हो गया, तो ईडब्ल्यूएस जो ना आपने रिलैक्सेशन लिया है वो आपको डॉक्यूमेंट्स आरक्षण वाले लेके जाने हैं। तीसरा दोस्तों डोमेसाइल आप देख सकते हैं, परमानेंट जो पीआरसी होती है असम के लिए, और टेम्परेरी डोमेसाइल नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपने टेम्परेरी बना रखा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, जो आपने डोमेसाइल जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर चौथे पे लिखा है लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट इशू इन द नॉट मोर 6 मंथ। 6 मंथ से दोस्तों पुराना आपका क्या होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे कह रहे थे कि हमने अभी जारी करवाना है, तो अभी नहीं करना है, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। यहां पे इशू बाय द पुलिस ऑफिस, एक दोस्तों एसपी से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है पुलिस ऑफिसर से, और दूसरा डीएम से आपको सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ता है। चौथे नंबर हो गया। पांचवा नंबर आप देख सकते हैं, अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आपने कोई ट्रेड इशू डाल रखा है वो ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 आपको फोटो लेके जाने, 10 कॉपी ऑफ द रिसेंट फोटोग्राफ, फोटो आपको 10 फोटो लेके जानी है। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉपी ज्वाइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ विद द नेक्स्ट मदर के साथ, दोस्तों मदर फादर के साथ भी आपको फोटो लेके जानी है ज्वाइंट में, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा है कि एज प्रूफ में अपने मदर का सर्टिफिकेट और सिस्टर ब्रदर इन सब के लिए कुछ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा मदर फादर का वो ले जाइए। ये दोस्तों बहुत वहां पर जरूरी नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड देखिए यहाँ पे ले जाना है। पैन कार्ड आपने अगर नहीं बनवाया तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए, आपका पैन कार्ड बन जाएगा। साथ में आपको आधार कार्ड और जिसमें डीओबी आपकी मैच कर रही हो, तीसरा डीओबी मैच कर रही हो। अगर उसके बाद देखें कैंडिडेट शुड बी द सेविंग अकाउंट, दोस्तों बैंक देखिए आपको सेविंग अकाउंट जो है वो आपको खुलवा के ले जाना है, जो बैंक आपको होता है सेविंग अकाउंट वो खुलवा के ले जाना है। साथ में दोस्तों आपके पास एटीएम होना चाहिए, बैंक बुक पासबुक होना चाहिए, साथ में आपको चेकबुक होना चाहिए। ये ट्रेनिंग सेंटर आपको दीमापुर में आपको ले जाना है। जनधन योजना जो खाता दोस्तों बैंक वाले खोल देते हैं, ये नॉट एक्सेप्टेबल यहाँ पे लिखा है, तो जनधन खाता आपका नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आप यहाँ सकते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट सस्पेक्ट द डोनर एजेंसी हैव बीन द नॉट मेंशन, जो दोस्तों सस्पेक्ट होते हैं जिनका डाटा मैच नहीं होता या फिर विथहेल्ड होते हैं उनका लिस्ट में देखिए यहां पे नाम नहीं है, उनको बाद में बुलाया जाता है। सस्पेक्ट वालों को अलग से कॉल लेटर भेजा जाएगा वेरिफिकेशन होने के बाद। बाकी यहां पे पूरी मोहर आप देख सकते हैं, ये सब सारी चीजें यहां पे आप देख सकते हैं। ये 22 मार्च 2021 को आया था और 1 अप्रैल 2021 को आपकी ज्वाइनिंग हुई था। आप देख सकते हैं लगभग 10 दिन पहले आपको ये लेटर जारी किया जाता है। ये दोस्तों सबके पे मेल ये लिस्ट भेजी जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास क्या होता है कि लिस्ट में नाम तो है लेकिन आपके घर पे लेटर नहीं आया, ज्वाइनिंग लेटर आपके मेल पे नहीं आया, तो आप इस लेटर को भी लेके जा सकते हैं दोस्तों, तो वहां पे आप दिखाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब दोस्तों हम देखने वाले तो कि आपके 20 दिसंबर के बाद दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा और जनवरी तक दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, पूरी ज्वाइनिंग कंप्लीट करा दी जाएगी। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो।
वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले लेना, क्योंकि एसएससी जीडी रिलेटेड जितनी भी दोस्तों अपडेट होती है सारी अपडेट मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।